ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलोला वर्सेस गैलार के बारे में। एंड ये अलोला वर्सेस गैलार का पार्ट 5 है, जहां पर आज हम इनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अलोला और गैलार के बीच में 4 पार्ट बनाए थे, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। आज बेसिकली क्वार्टर फाइनल्स का फाइनल मैच है। इससे पहले यहाँ पे कैंटो एंड जोटो, होएन एंड सिनो एंड यूनोवा एंड कालोस का कंपैरिजन हुआ था, जिसमें से कैंटो, होएन एंड कालोस ने सेमी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। एंड नाउ क्वार्टर फाइनल्स का फाइनल मैच अलोला वर्सेस गैलार के बीच में है। अलोला और गैलार में फिलहाल के लिए 6 राउंड हो चुके हैं, स्टार्टर्स बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी, सूडो लेजेंडरी, मिथिकल पोकेमोन, नॉर्मल लेजेंडरी एंड मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमोन का, जिसमें से 3 पॉइंट स्कोर किया था अलोला ने एंड 3 पॉइंट स्कोर किया था गैलार ने। एंड नाउ ये फाइनल राउंड है, जहां पर हम दोनों ही रीजन के मोस्ट पावरफुल पोकेमोन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। एंड इस फाइट को जो भी जीतेगा उसी पोकेमोन का रीजन सेमीफाइनल्स में जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि सेमीफाइनल्स में कौन जाता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमोन की वीडियोस नहीं के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि अपने न्यू वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अलोला और गैलार में आज फाइनल राउंड है, जिसमें आज हम इनके मोस्ट पावरफुल पोकेमोन की बात करने वाले हैं। तो अगर मोस्ट पावरफुल पोकेमोन की बात करें तो अलोला से अल्ट्रा निक्रूज़मा एंड गैलार से इटर्नमैक्स इटर्नेटस। दोनों ही पोकेमोन अपने अपने रीजन के सबसे ताकतवर पोकेमोन हैं। एंड अगर इन दोनों कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही कंपैरिजन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बैटल्स के तौर पर ज़्यादा ताकतवर कौन है। अगर हम बैटल्स के तौर पर देखें तो मेरा सीधा सा आंसर इस फाइट का बना इटर्नेटस रहेगा। इसका बस एक ही कारण है कि निक्रूज़मा ने अभी तक अपने अल्ट्रा फॉर्म में आने के बाद कभी कोई बैटल लड़ी ही नहीं है। उसने जितनी बैटल्स थी सभी की सब अपने नॉर्मल फॉर्म एंड डस्टमैन एंड डॉन विंग्स वाले फॉर्म में लड़ी है, एंड उनसे ही फॉर्म को आराम से इटर्नेटस सरपास कर सकता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 45 देख सकते हो। हाँ, डॉन विंग्स एंड डस्टमैन निक्रूज़मा इटर्नेटस को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी इटर्नमैक्स फॉर्म में आ गया देन डेफिनेटली वो इस मैच को जीत जाएगा। सो हाँ, बैटल्स के तौर पर मेरे हिसाब से विनर इटर्नेटस रहेगा। अब अगर हम बात करें फीड्स की तो फीड्स के मामले में मेरे अकॉर्डिंग अल्ट्रा निक्रूज़मा आगे है, क्योंकि इसके फीड सच में एक अलग ही लेवल पे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इटर्नेटस निक्रूज़मा के डस्टमैन एंड डॉन विंग्स वाले फॉर्म को फीड्स के मामले में पीछे छोड़ पाए, क्योंकि हाँ उसके फीड्स भी कुछ कम नहीं थे। इसके अटैक के रेडिएशन से यहाँ पे आज का ड्रैगनाइट हार चुका है, एंड ये वही ड्रैगनाइट था जिसने पहले के एपिसोड में मेगा लुकारियो के 31 पावर ऑफ पंचेज ने कोरोस्फेयर एंड आयरिस के ड्रैगनाइट के 2 ड्रैगन रश एंड हैक्सोरस के आउटरेज को सहा था। अपने डायनामिक्स कैनन की मदद से इटर्नेटस ने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया था। सो हाँ, एक तरह से वो डॉन विंग्स एंड डस्टमैन वाले फॉर्म को फीड्स के मामले में पीछे छोड़ सकता है, लेकिन जब बात आएगी अल्ट्रा निक्रूज़मा की तो मुझे नहीं लगता कि वो इसका सामना कर पाएगा, क्योंकि अल्ट्रा निक्रूज़मा एक पूरे मीटियर को रोक चुका है बिना कोई अटैक परफॉर्म किए, बिना कोई काउंटर शील्ड यूज किए, एंड एक पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिस्टोर कर चुका है विद इन सेकंड्स। सो हाँ, फीड्स के मामले में देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अल्ट्रा निक्रूज़मा जीत जाएगा। सो अब यहाँ पे इन दोनों ने एक एक पॉइंट स्कोर कर लिया है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं फाइनल राउंड यानी पावर के राउंड की, किसकी पावर ज़्यादा है। इन दोनों पोकेमोन की ताकत को हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं अल्ट्रा निक्रूज़मा से। अल्ट्रा निक्रूज़मा एक साइकिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। ये पूरी तरह से लाइट एनर्जी से बना हुआ है। अल्ट्रा निक्रूज़मा उन्हीं कुछ पोकेमोन में से एक है जिनके बेस स्टैट आरके से ज़्यादा है, 754। बात करोगे इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो निक्रूज़मा के पास लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर है। ये चाहे तो कितनी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड जितना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। निक्रूज़मा एब्जॉर्ब की हुई लाइट को ब्लास्ट पैक भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स। इसके पास न्यूरोफोर्स की एबिलिटी है, जिसके कारण निक्रूज़मा अगर अपने ओपोनेंट पर कोई सुपर इफेक्टिव अटैक करता है तो उसकी पावर 20% बूस्ट अप हो जाएगी। निक्रूज़मा को एक तरह से तुम लाइट ड्रैगन भी कह सकते हो। ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। निक्रूज़मा की बॉडी टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जिसके कारण कोई भी चीज अगर इसे छू दे तो वो इंस्टेंटली मेल्ट कर जाएगी। निक्रूज़मा अपनी पूरी बॉडी से लेजर बीम्स फायर कर सकता है, एंड ये लेजर बीम्स 18 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है, एंड सामने आने वाली किसी भी चीज को जला के राख कर सकती है। इसके पास दो सिग्नेचर मूव हैं, फोटोन गीजर एंड प्रिज्मेटिक लेजर, एंड इन दोनों सिग्नेचर मूव्स की ताकत लिटरली यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे है। अगर निक्रूज़मा पे कोई भी ऐसा अटैक होता है जो कि लाइट एनर्जी से बना हुआ है तो उसका असर निक्रूज़मा पे नहीं होगा, क्योंकि निक्रूज़मा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड इसलिए जो भी अटैक जो लाइट एनर्जी से बने हुए हैं उन पे निक्रूज़मा का कुछ असर नहीं होगा, उल्टा इसकी पावर बूस्ट अप हो जाएगी, क्योंकि निक्रूज़मा उन सारे अटैक को एब्जॉर्ब करके अपने ओपोनेंट पे ही ब्लास्ट पैक कर सकता है। निक्रूज़मा लाइट को मैनिपुलेट भी कर सकता है, एंड एक तरह से ये लाइट एनर्जी से अपनी एचपी भी रिगेन कर सकता है अगर ये हारने लगा तो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये किसी भी डिस्ट्रॉय हुए वर्ल्ड को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है विद इन सेकंड्स। ये अल्ट्रा वार्म होल्स को क्रिएट कर सकता है और उनके थ्रू ट्रैवल भी कर सकता है, और तो ये अपने ओपोनेंट्स को भी अल्ट्रा वार्म होल के अंदर खींच सकता है अपने एडवांटेज के लिए। सो ये थी निक्रूज़मा की पावर्स। अब अगर हम बात करें इटर्नेटस की, इटर्नेटस एक ड्रैगन एंड पॉइजन टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है। इसे तुम एलियन पोकेमोन भी कह सकते हो जो कि मीटियर से अर्थ पे आया था। एक तरह से एक ड्रैगनिक पोकेमोन है। इसकी पावर सच में बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी एनर्जी है। जब से इटर्नेटस पोकेमोन वर्ल्ड में आया इसकी एनर्जी लगातार लीक कर रही है, जिसके कारण डायनामैक्स एंड जीमैक्स फिनोमेना एग्जिस्टेंस में आए हैं। इटर्नेटस जीमैक्स एंड डायनामैक्स फिनोमेना दोनों को कंट्रोल कर सकता है। ये चाहे तो सामने वाले पोकेमोन को जीमैक्स या डायनामैक्स फिनोमेना में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या फिर सामने वाले पोकेमोन के जीमैक्स या डायनामैक्स फिनोमेना को ब्लॉक भी कर सकता है। एंड जिस हिसाब से इटर्नेटस ने एनिमे के अंदर दोनों फिनोमेना को कंट्रोल किया है, उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा
किटेंडस चाहे तो सारे के सारे जी मैक्स एंड डायनामैक्स पोकेमोन की ताकत को दोबारा से अपने अंदर ले सकता है। इन शॉर्ट इसकी जितनी भी एनर्जी लीक हुई है जिसके कारण जी मैक्स एंड डायनामैक्स फेनोमेना इस वर्ल्ड में आया है वो उन सभी एनर्जी को दोबारा से अपने अंदर ले सकता है। एंड या इस पे तुम पूरा यकीन भी कर सकते हो क्योंकि इटर्निटस के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है। एंड अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने ही पोकेमॉन्स हैं उन सभी में इटर्निटस के बेस स्टैट सबसे ज्यादा है। इटर्निटस जब अपने इटर्नामैक्स फॉर्म में आता है तभी एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जिसे हम कह सकते हैं ओवरलोड, क्योंकि उस समय इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है कि खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इटर्निटस एक तरह से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है एंड ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि इसे स्पेस टाइम तक में छेद हो सकता है, एक मायने में एनर्जी का स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। अल्ट्रा निकुज्मा की तरह इटर्निटस के पास भी दो सिग्नेचर मूव हैं, डायनामैक्स कैनन एंड इनफिनाइट बीम, एंड इन दोनों मूव्स की ताकत एक अलग ही लेवल पे है। इटर्निटस यहाँ पे करीबन 200,000 साल पहले अर्थ पे आया था एक मीटियोर के जरिए एंड तब से इटर्निटस की एनर्जी लीक करे जा रही थी, ये रुकी नहीं रही थी। एंड ये एनर्जी एक पॉइंट पे इतनी ज्यादा हो गई कि इससे पोकेमॉन वर्ल्ड को खतरा हो सकता था, इसीलिए हजारों सालों पहले जेशन ने जमाजेंटा के जरिए इटर्निटस को हरा के उसे कैद कर लिया गया था ताकि इसकी एनर्जी और लीक ना करे। अब दोनों ही पोकेमॉन की वीकनेसेस जान लेते हैं। अल्ट्रा निकुज्मा बेसिकली यहाँ पे साइकिक एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जो कि बग, घोस, डार्क, आइस, ड्रैगन, फेरी इन सारे टाइप से वीक है। इसकी एक और वीकनेस है कि इसकी लाइट एनर्जी खत्म हो सकती है जिसके कारण ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। एंड अगर बात करें इटर्निटस की वीकनेस की तो इटर्निटस एक ड्रैगन पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो कि साइकिक ग्राउंड आइस एंड ड्रैगन टाइप अटैक्स के सामने कमजोर है। इसकी एक और वीकनेस है कि हीरोडो के कंबाइन एफर्ट के सामने इसकी पावर्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब हमने दोनों ही पोकेमॉन की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस को जान लिया है, चलिए अब एक कंपैरिजन करते हैं। इटर्निटस जब अपने इटर्नामैक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसके हालात बेसिकली निकुज्मा की तरह नहीं है कि इसकी एनर्जी खत्म हो सकती है। इटर्निटस के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी है, निकुज्मा की लाइट खत्म हो सकती है बट इटर्निटस की एनर्जी शायद ही खत्म होगी। इटर्निटस के पास यहाँ पे निकुज्मा के खिलाफ एक एडवांटेज भी है कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोकेमॉन है। तो हाँ, ऐसे में यहाँ पे इसके पास साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज है अल्ट्रा निकुज्मा के खिलाफ। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि निकुज्मा कुछ भी कर ले बट इसे अल्ट्रा वर्महोल के अंदर नहीं खींच पाएगा। ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, बट हाँ ऑलमोस्ट। एंड यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि इटर्निटस एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर सकता है। वहीं बात करें अगर निकुज्मा की तो निकुज्मा के पास भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इटर्निटस का कोई भी अटैक इसे हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि इटर्निटस के अटैक में बेसिकली यहाँ पे लाइट एनर्जी ही है। इटर्नामैक्स, इटर्निटस का इनफिनाइट बीम एंड डायनामैक्स कैनन बेसिकली यहाँ पे लाइट एनर्जी से ही बने होते हैं, इसीलिए निकुज्मा के ऊपर उन अटैक्स का असर नहीं होगा क्योंकि निकुज्मा लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। वो इटर्निटस की इनफिनाइट बीम एंड डायनामैक्स कैनन को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसी के ऊपर ब्लास्ट पैक कर देगा। बट एक बात और है कि इटर्निटस एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है एंड जैसे कि हम जानते हैं निकुज्मा के पास अनलिमिटेड लाइट नहीं है, इसकी लाइट लिमिटेड है। बट यहाँ पे पूरी तरह से श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि ये निकुज्मा की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि अभी तक बस यही कंफर्म किया गया कि इटर्निटस यहाँ पे जी मैक्स एंड डायनामैक्स एनर्जी को ही अब्जॉर्ब कर सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इटर्निटस के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी है तो वहीं निकुज्मा के पास भी अनलिमिटेड लाइट अब्जॉर्बिंग पावर है। एंड हम ये भूल नहीं सकते कि जैसे जैसे निकुज्मा को लाइट मिलती है वो ताकतवर होता जाता है। इस हिसाब से साफ कहता हूँ कि इस मैच का विनर निकुज्मा रहेगा क्योंकि इटर्निटस निकुज्मा को बस एक ऐसी जगह पे हरा सकता है जहाँ पे कोई लाइट ना हो जो कि पूरी तरह से डार्कनेस से भरी हो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इनकी फाइट अर्थ पे ही हो सकती है। एंड अगर इनकी फाइट एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा है तब भी यहाँ पे निकुज्मा का हारना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भले ही यहाँ पे निकुज्मा अपने सराउंडिंग से लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता बट ये दूसरे वर्ल्ड से लाइट एनर्जी ले सकता है। तो ऐसे में इटर्निटस इसे नहीं हरा पाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर इटर्निटस इसे एक ऐसे यूनिवर्स में भी लेके जाता है जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो, जहाँ पे लाइट एग्जिस्ट ही ना करती हो, तब भी अल्ट्रा वर्महोल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है और वहाँ से लाइट एनर्जी ले सकता है। सो हाँ, देखा जाए तो मेरे हिसाब से इटर्निटस इसे नहीं हरा पाएगा क्योंकि इटर्निटस के पास अनलिमिटेड एनर्जी है ना कि अनलिमिटेड हेल्थ। कभी ना कभी तो उसकी हेल्थ खत्म होगी बट निकुज्मा की हेल्थ को खत्म करना इतना आसान नहीं है। कभी वो अपनी सराउंडिंग से लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपनी हेल्थ रिगेन कर सकता है, कभी दूसरे वर्ल्ड से तो कभी अल्ट्रा वर्महोल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्स से। सो हाँ गाइस, मेरे ओपिनियन में इस मैच का विनर अल्ट्रा निकुज्मा रहेगा। सो निकुज्मा ने फाइनली यहाँ पे लास्ट राउंड जीत लिया है एंड अलोला ने 4 पॉइंट स्कोर कर लिया है एंड सेमीफाइनल्स में जाता है अलोला रीजन। सो यार गाइस, क्वार्टर फाइनल्स फाइनली खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट वीडियो से सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए एंड इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।